हेलो फ्रेंड्स, राज क्लास में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी इसके फिजिक्स का एक चैप्टर क्या है, प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। क्या है इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो पहला आता है महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी जो स्पष्ट दर्शन है इसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है, न्यूनतम यानी छोटा सा दूरी क्या होता है, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंग विजन, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं और इसे कितना सेंटीमीटर का होता है। क्या है तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, यानी नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक कि वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट दर्शन की क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद निकट बिंदु, क्या है निकट बिंदु, यानी नेत्र से निकटतर वह बिंदु जहाँ तक की वस्तु को, यानी निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु, निकट बिंदु हो गया, ये तो उतना पॉइंट नहीं है। इसके बाद है क्या, इसके बाद आता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष इसको क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष की है क्या, वैसे दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। तो इस दोष के निवारण के लिए क्या है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाती है। तो इसको दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम यहाँ हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, यदि क्या है क्या, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो यह आवर्धन यानी इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, 1 प्लस डायोप्टर यानी D/F। यानी इसके बाद क्या है, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी इसका प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m बराबर क्या हो जाएगा, D/F हो जाएगा। जहाँ कह रहा है डी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कह रहा है, तो हमें क्वेश्चंस बनाने में डी का वैल्यू कितना लेना है, 25 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। एफ बराबर प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, जो लीजिए जिस प्रकार की लेंस ले रहे हैं उसकी जो फोकस दूरी है उसको लेना है। इसके बाद एम है एक्स यानी सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, यानी उसकी आवर्धन क्षमता लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन, इसकी आवर्धन क्या है, इसको शॉर्ट में आवर्धन बराबर FO/FE कर सकते हैं, यानी FO के क्या कहे, इस अवस्था में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई FO बराबर FE से थोड़ा सा कम होता है, यानी इसको ले सकते हैं आवर्धन। यानी सारणी एक दिया हुआ है, प्रकाशीय यंत्र दिया है उसका आवर्धन, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी है तो उसका आवर्धन लेना है M/D/F, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है तो इसका आवर्धन लेना है M-L/FO/D/FE। खगोलीय दूरदर्शी होगा तो इसका लेना यही है, यह देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद है टेरेस्ट्रेट की सूक्ष्मदर्शी, इसके बाद गैलीलियन सूक्ष्मदर्शी का दिया हुआ है। चलिए इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम लोग देख लिए और इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे हम लोग। क्या है एक क्वेश्चंस क्या है, मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनाती है, यानी कह रहा है मनुष्य की जो आँख है, आँख की वस्तु का प्रतिबिंब, यानी मनुष्य आँख से किसी वस्तु का देखता है तो उसका प्रतिबिंब किस चीज़ पर बनता है, तो यह हो जाएगा क्या, रेटिना होगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछले कक्षा में यह पढ़े होंगे, यानी 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे इस पे, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में इसके बारे में बहुत डीपली से पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आवर्धक लेंस को क्या कहते हैं, यानी आवर्धक लेंस को क्या कहा जाता है, तो आवर्धक लेंस को कहा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी, यह हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन ये कहता है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयुक्त होती है, जो एक उत्तल लेंस है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवर्धन क्षमता कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है, यानी एफ निकालना है। यानी क्वेश्चंस बनाते हैं, क्या है एक उत्तल लेंस जो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसकी आवर्धन
आवर्धन दिया हुआ है, यानी इसमें m बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर होता है 1 प्लस d बटा f, इसी से फोकस दूरी निकालना है, तो 5 दिया हुआ है, प्लस एक इक्वल टू एक प्लस डायोप्टर, यानी हम बोले थे कि यानी डी को कितना लेना है, 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को लेते हैं, यानी 25 बटा एफ। ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस से बराबर 25 बटा 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 बराबर 25 बटा एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटा 4 हो जाएगा। इसको हम भाग कर देते हैं, इसको भाग करने पर कितना आ जाएगा, 6.25 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी हो गया 6.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 6.25 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है, यानी कहाँ पे बनता है, निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित रहते हैं व्यक्ति, उसका क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो क्या है, तो रेटिना पर, तो ये जो पूरा पूरा देखता है उसको रेटिना में बनता है, क्या रेटिना से पहले बनता होगा, क्या हो जाएगा, रेटिना से पहले बनता है। दूसरे बात है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए किसको, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है, यानी उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है किससे, निकट दृष्टि दोष के कि दूर दृष्टि दोष का होता है, तो इसमें दूर दृष्टि दोष का होता है, ये हो जाएगा क्या, यानी उत्तर अवतल लेंस का प्रयोग तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आँख के लिए निकट क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के लिए, आँख के लिए, यानी जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित मनुष्य होते हैं उसकी न्यूनतम दूरी या निकट की दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं, 25 सेंटीमीटर पर तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, और 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, दूर पर होगा, या ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देखता है, यानी कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी पर स्पष्ट देखता है, तो 10 मीटर स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, यानी उसकी फोकस दूरी निकालना है हमें, यानी यह दिया हुआ है, यानी u बराबर दिया हुआ है, u बराबर कितना दिया हुआ है, आवश्यक लेंस, यानी u बराबर क्या हुआ है, -5 मीटर, और फिर से क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं, क्या है, कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट रूप से देखता है, यानी स्पष्ट रूप से 5 सेंटीमीटर पर देखता है, तो क्या हो जाएगा, v बराबर कितना है, 5 मीटर है, और 10 मीटर के स्पष्ट देखने के लिए, यानी u बराबर पर जब 10 सेंटीमीटर स्पष्ट 10 मीटर स्पष्ट देखता है, तो उसकी जो फोकस दूरी यानी f निकालना है, तो दर्पण के लिए पहले तो लेंस के लिए था, तो लेंस के लिए सॉरी दर्पण के लिए था, 1 बटा f = 1 बटा u + 1 बटा v था, ये तो दर्पण के लिए था, इसके बीच में अगर जो माइनस करते हो क्या हो जाएगा, लेंस के लिए हो जाएगा, तो लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटा f बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा v - 1 बटा u हो जाएगा, 1 बटा f तो निकालना है हमें, f का वैल्यू, v कितना दिया हुआ है, -5, 1 बटा 5, माइनस v का, u का वैल्यू -10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके एलसीएम 10 हो जाएगा, -2 + 1, यानी 1 बटा f बराबर कितना हो जाएगा, -1 बटा 10, तो ये फोकस दूरी कितना हो जाएगा, -10 मीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 10 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यानी मानव नेत्र के रेटिना पर जो वस्तु बनता है उसका प्रतिबिंब क्या होता है, तो उसका प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा अभिनेत्र की फोकस दूरियाँ क्रमशः कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, सामान्य संयोजन में इसकी आवर्धन क्या होगा, तो सामान्य संयोजन में इसका आवर्धन निकालना है हमें, तो क्या दिया हुआ है, यानी एफ ओ बराबर एफ दिया हुआ है, यानी एफ ओ दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर, और एफ ई दिया हुआ है कितना, कितना एफ ई क्रमशः दिया हुआ है,
5 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, इसका क्या कह रहा है, सामान्य संयोजन में इसकी आवर्धन यानी एम निकालना है। तो एम बराबर इसका फॉर्मूला है एफ ओ बटा एफ ई हो जाएगा, यानी 100/5 कटिंग क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका आवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।